हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे 120 डेज का आपका स्टडी प्लान क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान क्या होगा, आपके टारगेट्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाली है, आप अपने टारगेट अचीव कैसे कर सकते हो एंड अगले 4 महीने में हाउ कैन यू एक्चुअली टेम कैट। बाय द वे, ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे कहूंगा उसको ध्यान से सुन लेना। दिस आर गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी हेल्पिंग यू फॉर 1000%, आई कैन गारंटी यू दैट। यार, सीटूसी मेंटर आई स्टार्टेड इन द ईयर 2019, हमें 2 साल हुए। अगर हम आप 2 साल में अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, यू नेम अ बी स्कूल एंड वी हैव आर स्टूडेंट्स ओवर देयर। अगर मैं बात करूं कैट 2020 के बारे में, हमारे आई एम अहमदाबाद में राउंड अबाउट 25 बच्चे बैठे हैं। आउट ऑफ दिस 25 स्टूडेंट्स, 17 बच्चे मेरे फुल टाइम वाले हैं और बाकी के जो ऊपर के जो बच्चे हैं कुछ हमारे जीडीपीएस हैं और 2 बच्चे हमारे मॉक प्रोग्राम्स हैं। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लैकी, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आई थिंक वी हैव सेंट राउंड अबाउट 200+ स्टूडेंट्स एज फार एज ब्लैकी इज कंसर्न। एंड यू नेम एनी बी स्कूल, एनएमआईएमएस, एसपीजेएन, केजे, एमडीआई गुड़गांव, आई एम कोईकोड, लखनऊ, इंदौर, यू विल सी स्टूडेंट्स इन ऑल द बी स्कूल। This has been possible in the 2 years ka time because of the strategy, the kind of advice and the kind of mentorship that we have been able to give to our students. तो ये जितने भी बातें यहाँ पे मैं करूँगा, जितने भी strategy मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से सुन लेना। भले आपका मन करे ना करे, पर एक बार ध्यान से सुन लेना। At the end of the day आपको पता चलेगा कि हाँ यार, this is the actual way to move ahead with CAT preparation and study. Now पहली चीज, you have this problem, you know, you have this kind of confusion कि सर मैं लेट हो गया यार। कैट तुम्हारी 4 महीने पे है, राइट? तुम्हारे पास 120 दिन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम उसको एग्जाम करके लेते हैं। जब एक एग्जाम के बारे में मैं बात करता हूँ, हमें ऑलरेडी फोबिया है एग्जाम का। बट अगर हम देखेंगे, यू नो, कभी कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको एग्जाम नाम से ही डर लगता है, एग्जाम नाम से नफरत होता है। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से दैट, यू नो, इसको एक एप्टीट्यूड टेस्ट करके देखो, बिकॉज एग्जाम का फंडा और एप्टीट्यूड टेस्ट का फंडा में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट आर एक्चुअली ईजियर टू क्रैक कंपेयर टू एग्जामिनेशन, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम्हारा होता है परसेंटाइल और तुम्हारे एग्जाम में होता है परसेंटेज। इसका मतलब भाई मेरे, अगर 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से अगर मेरे को 99 आया, देन आई एम गेटिंग 99%, राइट? बट अगर मान लो मेरा, अगर पेपर मान लो 200 का है, मान लो 228 का पेपर है आपका कैट का, 76 क्वेश्चन आएंगे, 228 में अगर किसी बंदे ने मान लो 100 क्वेश्चन फोड़े और ये टॉपर बन गया, तो ये बंदा बन जाता है तुम्हारा 100%। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो 228 कहाँ पे और 100 कहाँ पे, यू गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट ईयर तो 100 पे 99% आया था। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी कि यार इसको एज एन एग्जाम मत देखो, इसको एज एन एप्टीट्यूड टेस्ट देखो। जब तुम एप्टीट्यूड टेस्ट करके इसको देखते हो, तभी आप वो चीजें कर पाओगे जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको क्रैक करने के लिए। वो चीजें मैं आपको इवेंचुअली बताऊंगा। Now, am I late for CAT? You are absolutely not late for CAT. ये थोड़ा सा हमारा ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं सर, मैं थोड़ा सा कंपटीशन में पीछे हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। यार, माई टॉपर, सेकंड टॉपर 99.93% हमारा जो बच्चा है कैवल्य, कैवल्य इज करंटली इन आईएम अहमदाबाद, बंदा आईएम अहमदाबाद में पढ़ रहा है, वो बंदा फ्रेशर है। अक्टूबर महीने में जब उसने मॉक दिया था, ही स्कोर्ड ओनली 20%। इमेजिन, जो बच्चा अक्टूबर महीने में 20% लाता है, क्या वो डी डे पे 99.93 ला पाएगा? नो। सो ही स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो दैट्स राउंड अबाउट 1.5 मंथ उसने फोड़ दिया था, राउंड अबाउट 40-45 डेज आप पकड़ सकते हो। सो गाइस, यू आर नॉट लेट एक्चुअली, जस्ट दैट ऑलवेज से आप ये मत सोचो कि इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी। हर एक टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी, बट वंस यू स्टार्ट योर स्टडी, उसके बाद आप क्या करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। यू कैन गो एंड स्पीक टू योर फ्रेंड्स यार, जिन्होंने 7 से 8 महीने पहले पढ़ाई चालू करा है, 3 से 4 महीना पहले पढ़ाई चालू करा है, आज बोलो कहां पे आप जाके देखो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि यार ये सही टाइम है या गलत टाइम है। अगर मैं आपको 1 साल भी देता हूँ पढ़ाई के लिए, ये भी आपके लिए कम हो सकता है, और अगर मैं आपको 2 महीने दूँ या फिर 4 महीने दूँ, आप 2 से 4 महीने में भी फोड़ सकते हो। आई कैन टेल यू सो मेनी यू नो एग्जाम्पल्स। अविरल करके मेरा एक बच्चा है, अविरल करके एक हमारा बच्चा है जो अभी आई एम बैंगलोर में पढ़ता है, ही गेव 54 डेज टू कैट। उसने क्या करा, जॉब करा था, जॉब से उसने छुट्टी ले लिया, 54 डेज में ही रोड राउंड अबाउट 54 मॉक्स, हर दिन एक मॉक लिखता था। ही इज राइट नाउ इन आई एम बैंगलोर। देर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, पूजा, पूजा इज करंटली इन आई एम कोईकोड, शी इज वन ऑफ द मेंटर एट सीटूसी मेंटर्स, शी विल बी टेकिंग योर लेक्चर्स। बाय द वे, शी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, दिस शी एग्जैक्टली स्टार्टेड इन द सेम मंथ, शी गॉट इनटू आई एम कोईकोड यार। सो दैट्स वन ऑफ द टॉप 10 बी स्कूल इन द कंट्री। सो यू आर नॉट लेट फॉर कैट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट फॉर कैट। आगे चलेंगे, अभी तुम्हारा डाउट होगा कि सर कंपटीशन का प्रेशर है, पीयर ग्रुप का प्रेशर है, अनसर्टेनिटी है, ये 3 चीजें आपको इग्नोर करनी है। अगर आपको सक्सेस करना है कैट में, यू हैव टू कीप दिस 3 थिंग्स असाइड। कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, 2,30,000 जो बच्चे होते हैं वो कैट के लिए देते हैं, लिख लो मेरे से, 1,25,000 जो बच्चे होते हैं ये
एक्चुअल में कैट पहली बार देते हैं या फिर ट्रायल एंड एरर देते हैं या फिर ये लोग एक्चुअल में कैट में इतना अच्छा कर नहीं पाते हैं, तो आपका एक्चुअली कंपटीशन है नहीं। जेन्युइनली अगर देखा जाएगा आपका कंपटीशन है वो 50,000 बच्चों के साथ जो एक्चुअल में सीरियस है। आज अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिशन के बारे में, आज बच्चों का मोटिवेशन हद लेवल पे नीचे है। पीपल आर नॉट स्टडिंग, दे हैव गिवन अप बिकॉज ऑफ कोरोना। दे आर लाइक सिटिंग एट होम, दे आर लाइक बग्ड अप, दे आर टेंस, फैमिली भी अराउंड होती है ऑलवेज एंड दे आर जस्ट नॉट इन फीलिंग गुड अबाउट इट, राइट? We are not going out, there are no colleges, there are no cultural activities, so entire social life has been changed completely. And that is the reason, agar aap baaki bahar bhi jaake dekhoge, you will not see people being motivated. So competition actually hota nahi hai. Dusri baat mein agar yahan pe main aapko bataun, yaar tumhara jo CAT hota hai na, wo bada sexy exam hota hai. Why? Because ye bachche jante nahi hai. Because of which, aap logo ko lagta hai ki yaar CAT bahut tough hai. But CAT actually bahut easy hai aur doable hai. Agar ye cheeze aap samjhoge, there is something called as rule of relativity. CAT kya karta hai, jo topper hai apna, वो टॉपर के साथ आपको कंपेयर करेगा। सिंपल सी बात। तो आई कैन टेल यू, अगर मान लो इस बार 2,00,000 बच्चे भी अगर कैट में बैठते हैं, लिख के लो 2,00,000 में से कम 1,00,000 बच्चे ऐसे होंगे जो आपका स्कोर बढ़ाने वाले हैं। यस, यू हर्ड दैट करेक्ट। 1 से 1.25 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपका स्कोर बढ़ाएंगे, जो आपका परसेंटाइल बढ़ाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। बिकॉज अगर आप इस लेवल पे हो और 1,00,000 बच्चे आपके नीचे है, तो इन कंपैरिजन टू दोज 1,00,000 स्टूडेंट एक्स वाई जेड, मतलब आपने बहुत अच्छा करा, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली ऊपर जाना है। बिकॉज ये रिलेटिव मार्किंग वाला फंडा है, रिलेटिव कंपैरिजन वाला फंडा है। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट परसेंटेज। ये थोड़ी चीज आप अगर समझ लोगे ना, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, हर साल मैं देखता हूं जब 2.5 लाख बच्चे भी बैठते हैं ना, कम से कम 1 से 1.25 लाख बच्चे तो जेन्युइनली बाकी के बच्चों को वो हेल्प करते ही करते हैं, राइट? आप जब लाइक इफ यू राइटिंग मॉक्स राइट नाउ, अभी आप जब मॉक्स देते हो, आपको लगेगा कि अच्छा मॉक में ये थ्योरी काम नहीं आता है, ये थ्योरी मॉक में काम इसलिए नहीं आता है बिकॉज मॉक में जो बच्चे होते हैं ना, वो सीरियस होते हैं। बहुत सारे बच्चे मॉक में सीरियस होते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, लेट मी टेल यू, ऑन अ डी डे, कैट का जो डी डे होता है भाई, कैट के डी डे पे यू विल सी राउंड अबाउट 50,000 to 60,000 बच्चे लोग ऐसा होता है जिन्होंने जिंदगी में कभी मॉक भी नहीं दिया होगा, ना ही पढ़ाई किया होगा, वो बस एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। तो वहां पे कॉम्पिटिशन के बारे में हम सोचे ना तो ही बेटर होगा। पीयर ग्रुप, हाँ ये एक चीज है जो बच्चे ज्यादा परेशान है। यार पीयर ग्रुप 10th में था, पीयर ग्रुप ग्रेजुएशन में भी था, बट हमने सर्वाइव कर लिया ना। हाँ हमने सर्वाइव कर लिया, राइट? तो वो लोड आप मत लेना। यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने सर्वाइव कर लिया पीयर ग्रुप का प्रेशर। नो आई कैन टेल यू, आई वाज इन आईएम अहमदाबाद, आई डिड माय एग्जीक्यूटिव एमबीए फ्रॉम आईएम अहमदाबाद, आई डिड माय फुल टाइम एमबीए फ्रॉम केजी सोमय। केजी सोमय तो मैंने अच्छा खासा फोड़ा था, आई वाज इन टॉप 10%, आई गॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट आल्सो फ्रॉम द कैंपस। आई एम अहमदाबाद में जब भी था, पीयर प्रेशर सबसे बेकार होता है आपके टॉप 10 भी स्कूल में। बट यार मैंने वो चीज टारगेट करी जिसमें मैं अच्छा था। तो मुझे पता है कुछ कुछ जो चीजें होती है जहां पे जो इंजीनियर्स है उनको एडवांटेज मिलेगा। आई हैड स्टूडेंट्स विथ मी फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, विजेटीआई, बिट्स पिलानी, एसआरसीसी, सिंबायसिस। तो आई बाय द वे आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सिंबायसिस, वाज रैंक होल्डर देयर आल्सो। तो यहाँ पे मैं देखता था कि इंजीनियर्स को एक अंडी एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज यू नो दे आर गुड एट इट। आईआईटीज को अंडी एडवांटेज मिल जाता है, बट जब फाइनेंस के बारे में बात आती थी, जब अकाउंटिंग के बारे में बात आती थी, जब इकोनॉमिक्स के बारे में बात आती थी, मुझे पता है ये मेरा प्रो लेवल है, ये मेरा प्रो एयर है, मैं यहाँ पे फोड़ूंगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग दैट यू आर गुड एट। अनसर्टेनिटी ये ऑलवेज रहती है, यू नो व्हाट, अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली अ ब्यूटी। बिकॉज अगर आपको चीजें पता है फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, you will be careless about it, you will care a fuck about it, because tumko pata hai aage kya hone wala hai, but you know what, by not knowing what's going to happen in the future, you will always be on your toes and that will help you to work hard. To iske bare mein aapko tension nahi lena hai. सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है, बच्चे लोग टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारा आज का टारगेट होता है 90%। किसी ने किसी को बोलते हैं कि चलो भाई बता दो होली ट्रिनिटी, मैं बड़े प्यार से कहता हूँ होली ट्रिनिटी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जेन्युइनली होली ट्रिनिटी है, मतलब आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, बता दो इसका कट ऑफ क्या है। तो बच्चे कहते हैं भाई इसका कट ऑफ 99.50 है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई 99 तो लाना ही पड़ेगा अगर अच्छे भी स्कूल में चलना है तो। यार मेरे तू ये सोच ही मत कि लाइक यू हैव टू गेट 99%। दिस इज योर जर्नी फॉर 99%, दिस इज गोना बी द केस ऑन अ डी डे। तेरे पास 120 दिन है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, ओ यू नो व्हाट, इफ आई एम स्टार्टिंग टुडे, what should I be targeting? Because if you were to get into 99, you have to start from 80, you have to then go to 90, you have to then go to 95, then you have to go to 99, and from here, you have to go to 99.99. So it's a journey. Huh? It's a journey that you need to understand. You cannot jump onto one thing directly. You have to go step by step. And then what you understand is, ठीक है, अगर मैं target oriented पढ़ाई करता हूँ, 80% लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I'm going to do that. So for 90, I'm going to do it. So for 95, so for 99.
गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. अगर आप डीमोटिवेटेड हो, अगर आपने पढ़ाई पहले से चालू कराई एंड यू फील लाइक यू नो सर केतन सर ऑनेस्टली आई हैव नॉट डन एनीथिंग, यू नो आई फील लाइक आई एम लूजर, I have not done a lot of study. No, don't do that. Sit down with a pen and a paper and understand आप कहाँ पे हो. अगर मैं एक ग्राफ आपको बताऊं, अगर मैं 80% L के बारे में बात करूं, right? अगर आज के लेवल पे आप 60% L पे भी हो, आज के लेवल पे अगर आप 60% L पे भी हो, still you are good. I'll tell you why you are good. Because you have 4 months to go ahead with. अगर आप ये अक्टूबर में होते तो शायद से मैं ये नहीं कहता, सितंबर एंड में होते तो शायद से मेरा ये वर्ड्स नहीं आते टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगर आप आज 60% एल पी हो, यू कैन स्टिल नेल इट अप. योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 80% एल. अब ये कैसे अचीव करना है मैं आपको वीडियो में अभी आने के टाइम पे बता दूंगा, लाइक अगले 10-15 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा. नाउ 80% एल पे अगर आप हो, आपका स्कोर आपको जंप करना है 90% एल पे. 90% आप आराम से कर सकते हो. अगर मैं आपको बताऊं 90% एल के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, यू शुड बी स्कोरिंग राउंड अबाउट 65-66 का स्कोर. इसका मतलब राउंड अबाउट 28% पेपर आपको करना है to get 90 percentile. Your first target should be 90 percentile. If you get 90 percentile, what you are getting? You're getting calls from new IIMs, okay? You're getting call from baby IIMs. You're getting calls from colleges like KJ, colleges like JIM, IMI Delhi. You're getting calls from couple of IITs. You're getting calls from SP Jains. अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो, right? अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो, 90 percentile SC, ST, OBC, IIM, अहमदाबाद से लेके हर एक कॉलेज का तुमको कॉल आना चालू हो जाएगा. दूसरी बात, अगर आप स्पेशल कैटेगरी हो, हाँ ये स्पेशल कैटेगरी में इसको कहता हूं, स्पेशल कैटेगरी मतलब नॉन इंजीनियर बच्चे, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, फैशन डिजाइनिंग, अगर आप हो, यू कैन स्टिल गेट इनटू आईएम अहमदाबाद, यू कैन स्टिल गेट इनटू आईएम बैंगलोर. लेट मी टेल यू दिस, one of my students got into IIM Ahmedabad just with 88% percentile. General category student, she was 877 mere khayal se, right? There was another student, Apurva, she got a call from IIM Bangalore at 86 percentile. Yaar ye maine dekha hai, maine khud jana hai, main dekh chuka hu aur approve bhi ho chuka hai ki IIM Ahmedabad 85, 86, 87, 88 percentile pe call aapko deta hai. But IIM Bangalore, I was so shocked ki how can IIM Bangalore gives a call at 86 percentile. But बंदी का प्रोफाइल बहुत अच्छा था, शी वॉज एकेडमिकली वेरी साउंड, शी वॉज अमेजिंग स्टूडेंट थ्रू आउट हर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. शी इज फ्रॉम जेवियर्स मुंबई, सो शी गॉट द कॉल, राइट? तो टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. अनदर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, सर आई एम नॉट एबल टू रिटेन द थिंग्स, राइट? सर मैं जो भी पढ़ता हूं मैं भूल जाता हूं. अगर मैं इसका आपको सोल्यूशन पूछू कि आप क्यों भूल जाते हो, I can tell you इसका आंसर आप खुद मुझे दोगे, because sir we lack in revision. यार सिंपल सी बात है, देखो आज अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, ये आपका जर्नी है, राइट? आप नई चीजें एड ऑन करते हो कि नहीं करते हो, आई डोंट केयर, बट जितने टॉपिक मैं बोलूंगा दे आर 1000% इंपॉर्टेंट फॉर कैट. आप ये वीडियो देख लेना, सेव कर लेना, जितने टॉपिक मैं कहूंगा वो आपको कैट 2021 में दिखने वाले हैं. आई कैन गिव यू गारंटी ऑन दैट, राइट? मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूं और जाके देख लेना, मेरे एनालिसिस आर ऑलवेज गोइंग टू बी 100%. लास्ट ईयर मैंने प्रेडिक्शन मारा था, मैंने बोला था 8 क्वेश्चन करो, DLR में 90% लाया, 8 क्वेश्चन पे 95% लाया. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बोले थे वो सब आए थे. सो गाइज मैंने वही कहा है, C2C has been able to do, rather has been able to produce amazing mentors and amazing results. Yeah, there are students in IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, everywhere, just because this advice and the strategy that works fabulously well for every student out there. Fine? ठीक है. Now, coming back to things, आपको revision करना है. Sir, मेरा खाली एक ही topic हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, revise कर. आपको एक Sunday देना है, या फिर आपको एक weekday में एक दिन, वीकडे में कुछ भी पकड़ लो यार. चलो ठीक है, मैं ट्यूसडे पकड़ लेता हूँ, ठीक है? हमारा ये बजरंग बली का डे है तो हम ट्यूसडे पकड़ लेंगे. बजरंग बली से पावर मिलती है बेसिकली, हाँ, तो ट्यूसडे हम पकड़ लेंगे कि भाई ट्यूसडे को हम एक बारी रिविजन करेंगे और हम एक बारी संडे को रिविजन करेंगे. ये रिविजन होना ही चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू लर्न समथिंग, द मोमेंट यू स्टडी समथिंग, यू हैव टू गो बैक एंड चेक इट. द मोर यू डू इट, आपका वो मसल मेमोरी बनेगा. क्या बनेगा? मसल मेमोरी. ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता. नाउ इफ यू लिसन टू अ सॉन्ग, हाँ, इफ यू लिसन टू अ सॉन्ग Again and again, it becomes a muscle memory. Likewise, अगर आप quants करते हो, 25 question अगर आपने solve करे, अगर आप C2C के बच्चे हो, अगर 25 question solve करे, इसको करो यार, इसको 4 बार करो, इतना बार करो इसको कि आपको देख के पता चले कि इसका आंसर क्या है. DD में आपको क्लिक करता है कैसे? आपने मान लो एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देख लिया, अगर वो क्वेश्चन आपको पता है, 25 क्वेश्चन हमने C2C के हैंडआउट से करे थे, बेसिक, एडवांस, चैलेंजर, कुल मिला के हमने 50 क्वेश्चन करे थे, 50 से 60 क्वेश्चन हमने करे थे TSD के, आपको पता चलेगा अरे यार ये तो बेसिक लेवल है, ठीक है मैं कर सकता हूं, अरे यार ये तो चैलेंजर लेवल है, आई एम गोना लीव दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिविजन से ही आता है गाइस, राइट?
मूविंग एट, अगर मैं कैट के पॉइंट्स के बारे में बात करूं, टारगेट ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में, ये 2020, 2019, 2018, 17, 16, यार मैं आपको 5 साल का एनालिसिस यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो जो चीज मैं कहता हूँ, AAG, आग, राइट, अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री, ये जेन्युइनली अगर आप कर लोगे ना अगले 4 महीने में, तुम एक महीना अरिथमेटिक करो, एक महीना तुम अलजेब्रा करो, एक महीना तुम ज्योमेट्री करो, आप लोग ट्रस्ट मी बहुत अच्छा कर सकते हो कैट में। कैट 2020 आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस इन क्वांट, 21 क्वेश्चंस केम ओनली फ्रॉम अरिथमेटिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दैट्स राउंड अबाउट 85%। मॉडर्न मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, नॉन इंजीनियर्स को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मॉडर्न मैथ्स में, डोंट डू इट, जस्ट लीव दैट, राइट, डू 50%, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं 50% बोल रहा हूं, इसका 50 करो, इसका 50 करो, इसका 50 करो। टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, PhD एंड टाइम एंड वर्क छोड़ दो, ये नहीं आएगा आपको, ये DDA पे भी नहीं आएगा। पर सर मैं इसमें अच्छा हूं, कर लो, कोई लोड नहीं है, DDA पे आपको इसको थोड़ा लेट लेना पड़ेगा, एंड में लेना पड़ेगा। अगर आप प्रो लेवल पे हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज PhD के क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टफ होते हैं, तो उसको करके भी कोई फायदा है नहीं। तो जो चीज मैं DDA पे छोड़ने वाला हूं वो मैं अभी क्यों करूं, बेसिक लेवल कर सकते हो, समझ में आया तो करो, नहीं आया तो छोड़ दो। इसका भी अगर आप 50-50 कर लोगे तो भी यार यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्रैक बेयर मिनिमम 10-11 क्वेश्चंस, बेयर मिनिमम 10-11 क्वेश्चन। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दोस 10-11 क्वेश्चन? अगर मैं बात करूं यहां पे, 10-11 क्वेश्चंस कैन डू अमेजिंग जॉब फॉर यू। यहां पे एक बार नजर फिराना, 90% के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट्स नंबर 24 का स्कोर, कैट 2020 न्यू पैटर्न, 2020 में 24, मतलब 8 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट एंड आई एम गेटिंग 90%, हां आई एम गेटिंग 90%, 10 क्वेश्चंस करेक्ट एंड आई एम गेटिंग 95%। आप जेन्युइनली अगर मैं बोलूं, आप क्वांट्स में आप अच्छे हो, बुरे हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अब एवरेज हो, प्रो हो, व्हाट एवर यू आर, कैन यू नॉट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन? आपका अगला 4 महीने का टारगेट होना चाहिए कि मेरा 10 क्वेश्चन कहां से निकलेगा, ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्लस एलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री आराम से निकलेगा। तुम 50-50% भी कर लोगे तो भी तुम्हारा पूरा का पूरा क्वांट्स सॉर्टेड है, पूरा का पूरा क्वांट्स सॉर्टेड है। नाउ व्हेन यू डू दिस थिंग्स, फिर आपको चलना है मॉक्स पे, आपको ये करके मॉक्स लगानी है। यू हैव टू गिव राउंड अबाउट 40 मॉक्स अगले 120 दिन में। आपको 40 मॉक देनी है, कुछ मॉक आपको एक्टिव वे में देनी है, कुछ मॉक आपको पैसिव वे में देनी है। मैं बहुत जल्दी एक लाइव लेक्चर लेने वाला हूं मेरे चैनल पे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर में मैं बच्चों के डाउट्स भी लेता हूं और मैं आपको ये स्ट्रैटेजीज भी बताता हूं। 4 महीने में आपको 40 मॉक देनी है। जो हमारी मॉक्स है, वी कॉल देम एज मास्टर कैट, हम आपको 25 मॉक्स देते हैं। नाउ दीज आर द ब्यूटीफुल मॉक। नाउ 25 मॉक्स में राउंड अबाउट 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ मॉक्स हमारे अभी ये थोड़ा मेरे ख्याल से 2000 अभी हमने पूरा रिवैम कर लिया, हमने पूरे नए पैटर्न के जो मॉक्स है वो लेके आए। सो राउंड अबाउट आपको, लेट्स से राउंड अबाउट 1500 यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और 1500 क्वेश्चन के 1500 वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। कैन यू बीट दैट, राइट? इसके प्राइस इज राउंड अबाउट 2000। आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके 1500 वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, एंड दीज आर एट पार विद योर कैट का मॉक्स। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैंने XYZ कोचिंग लगाई है, वहां पे बहुत टफ है, आई मीन अगेन इट्स अप टू यू, बट जो मॉक्स हमने बनाई है ना, हमने वो ज्यादा ना हमने कम बनाई है, हमने वो एग्जैक्टली कैट की लेवल पे ही बनाई है। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस, और ये हेल्प करता है बिकॉज वीडियो सॉल्यूशंस आर एक्चुअली मेड बाय कैट टॉपर्स, राइट? तो आपको वो हर एक चीज बताएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे, अप्रोच बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन लेना है, छोड़ना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सब चीजों के बारे में वो आपको यहाँ पे बता देंगे। तो जो चीज आपने यहाँ पे करी, राइट, जो भी टॉपिक्स आपने यहाँ पे करे, आपको मॉक्स लगानी है। मॉक्स आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा है, आप कहाँ कहाँ पे गलत होते हो और क्यों होते हो, और उसके बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सैटरडे या संडे यू हैव टू की फॉर मॉक एनालिसिस। इफ आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, सैटरडे संडे फोड़ो, मेहनत करो, मे बी मंडे ट्यूजडे वेनेसडे आप 3 दिन अपनी मॉक एनालिसिस के लिए दे सकते हो, काफी है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने एक मॉक एनालिसिस अच्छे से कर लिया तो बेटा हर एक मॉक में तेरा +1 श्योर शॉट है, दूसरी मॉक में +2, तीसरी मॉक में +3, चौथी मॉक में +4, एवरी सिंगल मॉक दैट यू गिव एंड एनालाइज, एंड आफ्टर दैट एवरी सिंगल मॉक दैट यू राइट, यू विल बी +1 +2। राउंड अबाउट आपके पहले 10-15 मॉक कुछ काम के नहीं होने वाले हैं, मतलब वहां पे आप बहुत सारी एरर करोगे, आपको डर लगेगा, बट आपको मॉक्स देने हैं। स्कैर्ड ऑफ VRC, कांट रीड, एक्यूरेसी इज द इश्यू, गाइज यू कैन जॉइन C2C मेंटर्स फॉर VRC, वी आर दी बेस्ट एज फार एज द VRC इज कंसर्न। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। देखो यार, 40 मिनट का जो पेपर है, 40 मिनट के पेपर में तुम हर एक चीज पढ़ नहीं पाओगे, या आपको भी पता है कि 40 मिनट के पेपर में मैं हर एक चीज पढ़ नहीं पाऊंगा, सो आई नीड सम शॉर्टकट्स, राइट? सो टुमारो आई एम लॉन्चिंग माई न्यू बैच फॉर कैट 45 डेज का
प्रोग्राम एक्चुअली ये 90 डेज है, जब आप मेरे साथ 45 डेज रह के पोर्शन खत्म करोगे उसके बाद वापस हम ये चीज करेंगे, आपको एक्सटेंड करा देंगे, आप मेरे साथ 90 डेज रहोगे। टुमारो आई एम स्टार्टिंग विद वर्बल का पहला सेशन, दैट्स कॉल्ड एज आरसी शॉर्टकट। यहाँ पे मैं आपको हाउ डू यू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कैट बाय यूजिंग शॉर्टकट ये पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत कूल चीज है, इसके वजह से माई टॉपर्स आर 99.99, मेरे दो बच्चे हैं यहाँ पे। प्लस अगर मैं बताऊं तो राउंड अबाउट 70% ऑफ सीटूसी बैच लास्ट ईयर का हैज स्कोर्ड मोर देन 90% इन वीआरसी, राइट। वीआरसी में क्या आता है, वीआरसी में आते हैं आपके 26 क्वेश्चन, इसमें से आपके आएंगे 18 क्वेश्चन राउंड अबाउट आरसी में, और आएंगे 8 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब पैरा जंबल, ऑटोमोट, पैरा समरी। मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा यार, आप यहाँ पे वीडियो देख लेना आई बटन में, यहाँ पे ऊपर वीडियो के क्लिक कर देना राइट कॉर्नर में, आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके देखना। द शॉर्टकट्स आर अमेजिंगली गुड। तो यहां से आपको स्कोर निकालना है और यहां से आपको स्कोर निकालना है। अगर मैं आपको छोटा सा मैट्रिक्स बताऊं, अगर आप 8 के 8 सही लाते हो और 5 क्वेश्चन अगर आप आरसी से सही लेते हो, 8 5 13 13 क्वेश्चन अगर आपके सही आ गए, सो बेटा यू आर गेटिंग 93% प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू 2020। अगर इसका डर लग रहा है, ज्वाइन मी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस रिजल्ट अश्योर्ड, राइट। एंड हाउ डू यू सॉल्व द आरसी, अगर आप ये जानोगे तुम्हारा एक्यूरेसी भी एग्जैक्ट होगा, बिकॉज देन यू विल बी डूइंग दोज क्वेश्चंस विच आर इजी टू डू, which you are supposed to do, and जितने भी तुम्हारे tough question हैं आप उनको eliminate करोगे, तो आपके हाथ जो लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ easy question होने वाले हैं, right? Loss in DLR, DLR का बहुत बड़ा problem होता है, बच्चों को DLR पता नहीं चलता, but यार DLR एक actually scoring subject है, हाँ? DLR एक actually scoring subject है, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर नहीं नहीं DLR हमें नहीं आता, this is actually scoring। DLR में ना आपकी मेहनत थोड़ी कम लगती है, because दो set पे यार आपको 95% आ जाता है, आई एम नॉट किडिंग, दो सेट पे 95% आ जाता है। इसमें ऑलवेज ध्यान रखना, एक डीआई सुपर डुपर इजी, दूसरा डीआई थोड़ा सा टफ बट डुएबल। दो सेट अगर आप करते हो गाइस, योर लाइफ इज सॉर्टेड। ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई एम गोना टेल यू, सेट थ्योरी, अरेंजमेंट, सर्कुलर, लीनियर, स्पाइडर ग्राफ, तुम्हारा अरेंजमेंट, ये तुमको शॉर्ट शॉर्ट करना है। लास्ट ईयर हमने 100 सेशंस करवाए थे डीआरआर के, राउंड अबाउट 3 सेट जो थे, स्लॉट 1, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में, वो 3 के 3 सेट, बेयर मिनिमम 3 सेट हमारे हैंडआउट के लेवल पे आए थे, एग्जैक्टली नहीं आए थे, बट अगर आपने वो 100 सेशंस करे होंगे तो आपने DLR फोड़ा होगा, दैट्स फॉर श्योर। सो दिस इज कॉल्ड एज टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। पूरा का पूरा DLR करते बैठोगे तो नहीं होगा यार। यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, विल यू बी इन अ पोजीशन टू डू एवरी सिंगल सेट? नो। विल यू बी एबल टू डू एवरी सेट विच इज देयर इन द मटेरियल? नो। सो यू हैव टू बी वेरी चूजी, हाँ, यू हैव टू चूज इट अकॉर्डिंगली। फिर सेट कैसे उठाना है, बकेटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, गॉडफादर स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब चीजें आई विल बी टेलिंग यू इन द क्रैश कोर्स और इन द फुल टाइम बैच ऑल्सो। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट, राइट, वेन यू स्टार्ट स्टडी, राइट, द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू इज यू डू स्पीड मैच, जो हम यहाँ पे कराते हैं। स्पीड मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मेरा सेशन होगा वीआरसी का, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन फॉर यू गाइज। ये 90 डेज का क्रैश कोर्स है आपके लिए, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो आरसी के शॉर्टकट्स हम पहले करेंगे, फिर मेरा फोकस होगा स्पीड मैच, देन यू हैव टू डू अरिथमेटिक। इन टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट निकलने वाले हैं। सो वी आर डूइंग इट राउंड अबाउट 1 आवर 15 मिनट्स, कभी कभी एक्सटेंड होके 1.5 घंटा भी होगा। आप मेरे साथ रहोगे नवंबर तक, इसमें मॉक एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको यहाँ पे ई बुक्स भी मिलेंगे, राउंड अबाउट 720 मॉक्स हम आपको देने वाले हैं अलग से, वो मॉक्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, इसका एनालिसिस टॉपर के साथ आपको बैठ के मिलेगा। सो कुछ नंबर ऑफ मॉक्स का मिलेगा, सो यू डू दैट। सो द मोमेंट यू स्टार्ट करंटली, इफ यू आर बिगिनर राइट नाउ, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ, ये चीजें आपको बाय डिफॉल्ट करनी है, ये करना ही करना है। अलोंग विद दिस व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज DLR में जो भी डैशबोर्ड पे आपके अवेलेबल है चीजें, जो भी चीजें आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है वो सब आपको करनी है। उसके बाद आपको, अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको थोड़ा थोड़ा करना है, डेली बेसिस पे आप रीडिंग करोगे। अभी यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीडिंग करते कैसे, इसके भी शॉर्टकट सेशंस मैंने करवाए हैं। हाउ डू यू रीड, इसका भी सेशन मैंने करवाया है, आई विल टीच यू हाउ टू रीड, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा। सो 1 RC यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, प्रॉबली 1 or 2 पैरा जंप यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस। 2 DLR के सेट लगने चाहिए, भले 3 घंटा लगे बट 2 सेट हमें करने ही करने हैं। अरिथमेटिक का आपको सेशन बैठना है 1.25 घंटा, ये बैठना है, ये जो भी हम पढ़ाएंगे। पूजा मैम विल बी टेकिंग दिस सेशन, शी इज फ्रॉम IIM कोझिकोड, शी विल बी टीचिंग विद दिस। द मोमेंट हर लेक्चर इज डन, सेम डे आपको इसको रिवाइज करना है। जितने भी लाइव लेक्चर्स होंगे उन सबकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपके डैशबोर्ड में, प्लस देर आर सो मेनी रिकॉर्डेड वीडियोज जो आपको मिलेंगे आपके डैशबोर्ड में। लेट मी शो यू माई डैशबोर्ड वंस, यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट। ऑलराइट, सो दिस इज द डैशबोर्ड दैट वी हैव।
अगर आप देखो यहाँ पे वोकल सेशंस दैट वी हैव डन वोकैबुलरी, वी हैव डन स्पीड वोकैब, दिस स्पीड वोकैब इज नथिंग बट वोकैबुलरी विद शॉर्टकट। यहाँ पे जीके भी आपको मिल जाएगा, यू विल गेट स्पीड मैथ्स, यू विल गेट सो मेनी लेक्चर्स बेस्ड ऑन यू नो परसेंटेजेस, अरिथमेटिक पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। यू विल गेट अरिथमेटिक का थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी आपको मिलेगा। एवरी सैटरडे संडे वी विल बी डूइंग एडवांस लेवल, DILR का मैक्सिमम पोर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल गेट सेट थ्योरी एंड एवरीथिंग लॉजिकल रीजनिंग, ये डैशबोर्ड आपको करना है बकायदा बाइज। इसमें कुछ डाउट है वी विल टेक केयर ऑफ दैट डाउट। डैशबोर्ड में हमने बहुत सारे करे यार, ज्योमेट्री के हमने 13 सेशंस करे हैं बच्चों का। मेरा ये फीडबैक है शेड्यू सी का कि सर कुछ कुछ क्लासेस है जहाँ पे ज्योमेट्री 4 से 5 घंटे में पढ़ाई जाती है, बट वी हैव गिवन सो मच ऑफ टाइम इन ज्योमेट्री, सो वी विल बी टीचिंग यू दिस थिंग्स इन द लाइव लेक्चर 1.5 घंटे में, प्लस आपको ये रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी जिससे आपका लाइफ सॉर्ट आउट होगा। नाउ अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को क्रैश कोर्स नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म बैच लगानी है, अब लॉन्ग टर्म बैच में आके भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट लुक एट द कॉन्टेंट, इफ यू डू दिस कॉन्टेंट अच्छे से अगर आप ये कंटेंट करते हो, ट्रस्ट मी आपका कैट शॉर्ट शॉर्ट निकलने वाला है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू दिस एंड स्टे ट्यून्ड टू सेडुसी मेंटर्स। आई विल बी कवरिंग लॉट ऑफ टॉपिक्स इवेंचुअली व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट, बट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन क्वाइट हाई, स्टे रियलिस्टिक, स्टे प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंड कितना पढ़ाई करना है। ऑलवेज रिमेंबर कैट इज नॉट अबाउट स्टडिंग 100%। बहुत सारे बच्चे सिलेबस के पीछे भागते हैं, 100% पढ़ाई करना नहीं है, 50% पढ़ाई अच्छे से कैन फेच यू 99%, आई कैन गारंटी यू दैट। ओके सो यू हैव टू फोकस योर on the study, on the chapters which are important, and guys keep killing. That's it from my side. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the lecture. Bye bye.